वहाँ देख कानून सुनवाई करवाए, लेकिन पुलिस ने हमारे लोगों ने सुनी ना दे तो नंबर ना देते। तीन बार गए हम पुलिस तिरे थाने, हम कही के आए रोमा जी से, हमने कहा हमारे घर पर लड़ाई हो रही है, लोग ले ले डंडा आओ। रोमा जी ने कहा ऐसा तो लड़ाई होते हैं। लाल घेरे में नजर आ रहे ये शख्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जो उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों में से एक हैं, जिनके राज में यूपी को माफिया मुक्त करने के दावे किए जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी विधायक के भाई की ही घर में घुसकर पीट पीट कर हत्या कर दी जाए तो क्या प्रदेश में कानून के डर की बातें कही जा सकती हैं? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। पहले तो उत्तर प्रदेश के पूरनपुर विधानसभा सीट से विधायक बाबूराम पासवान के भाई की नाबालिग पोती को अगवा करने की कोशिश की जाती है। घर वाले पुलिस के पास शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सोचिए, एक विधायक के भाई की शिकायत पर ही थाने के आला अधिकारी अपनी कुर्सी से हिलते तक नहीं। नतीजतन वही गुंडे उसी घर में दोबारा आते हैं, नाबालिग को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। घर वाले लड़की को बचाने के लिए आगे आते हैं, जमकर मारपीट होती है, खून खराबा होता है। बदमाशों से नाबालिग लड़की को तो बचा लिया जाता है, लेकिन विधायक के परिवार में हुए इस खूनी खेल में एक जान चली जाती है। खुद की सुरक्षा के लिए गुंडों से लड़ते हुए लड़की के 70 साल के दादा फूलचंद की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। लोकल मीडिया के अनुसार गुंडों की संख्या 20 से ज्यादा बताई जा रही है। अपराध किसी के साथ भी हो, सवाल पुलिस प्रशासन पर ही लगता है, लेकिन जब विधायक के भाई को ही ऐसी बेरहमी से मार दिया जाए तो पुलिस और बौनी लगने लगती है। प्रशासन, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, ये सभी दावे खोखले नजर आने लगते हैं। सवाल उठ रहे हैं, राज्य में जब विधायक के भाई को ही गुंडे घर में घुसकर मार देते हैं तो फिर सुरक्षित कौन है? पुलिस ने जब विधायक के रिश्तेदार की शिकायत पर ही कोई एक्शन नहीं लिया तो आम आदमी की क्या हैसियत? घटना 9 नवंबर की रात की है। 10 नवंबर को फूलचंद के घर पर उनके पोते का तिलक समारोह होना था। कार्यक्रम से एक रात पहले गांव के रहने वाले शख्स महेंद्र और उनके कुछ साथी फूलचंद के घर में घुस आए, गाली गलौज करने लगे, मारपीट शुरू कर दी, उनकी नाबालिग पोती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आखिर क्यों? आरोप है कि फूलचंद की पोती और महेंद्र के रिश्तेदार का प्रेम प्रसंग था। कुछ महीनों पहले दोनों घर से भाग भी गए थे। आज तक से जुड़े सौरभ की रिपोर्ट के अनुसार लड़की की उम्र महज 14 साल है। घर से भागने के बाद लड़की के घर वाले उसे वापस ले आए और लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में विवाद था। महेंद्र और फूलचंद के घर आसपास ही हैं, दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन कथित तौर पर पुलिस ने मामले को नजरअंदाज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार महेंद्र अपने कुछ साथियों और रिश्तेदारों के साथ 9 नवंबर को फूलचंद के घर पहुंचा और उनकी पोती को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। बीच बचाव में भी कई लोग आ गए, दोनों पक्षों में भयंकर मारपीट हुई। 70 साल के फूलचंद पर भी डंडे से हमला किया गया। शोर शराबा सुनकर गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। लड़की को तो अगवा होने से बचा लिया गया, लेकिन फूलचंद की मौके पर ही मौत हो गई। और भी कई लोग घायल हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फूलचंद की बहू और लड़की की मां बताती हैं कि उनके परिवार ने कई बार पुलिस से महेंद्र के खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्त की, लेकिन पुलिस हर बार ये कहकर मामला टालती रही, इनका तो रोज का है। हमने कहा हमारे घर पर लड़ाई हो रही है, लोग ले झंडा आओ। रोज ने कहा ऐसा तो लड़ाई होते रहते, कुछ ना हम वीडियो लेके फिर दोबारा बनाई चले। हमारे घर पर हमारे दादा मार दो, हमारी लड़की मारो। हाँ, हमारे पिताजी हैं उनके पक्का है मारो, हमारे भैया झंडा है मारो। विवाद किस वजह से हुआ? लड़की की वजह से हुआ। फूलचंद के बेटे का यह आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष से घूस खाई थी, इसीलिए बार बार गुहार लगाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मामला ये हुआ भैया, लड़की हमारी पहले इनने भजवाए थे 14 तारीख को, ठीक, जबरदस्ती ले गए घर से भाई। 14 साल की लड़की है, ठीक, ठीक ही बात भाई। इनने आज फिर जे सबको चढ़ के आए पकड़ने के उस लड़की के लिए। तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, सूचना दी, कानून सुनवाई करवाई, लेकिन पुलिस ने हमारे लोगों ने सुनी ना ना दे तो नंबर ना देते। तीन बार गए हम पुलिस तिरे। क्या बताया पुलिस ने? पुलिस कहते चलो देख लेंगे, लेकिन पुलिस पैसा ले बैठी रही, पुलिस ने मरवा दिया तो गई। फूलचंद की मौत के बाद उनके चचेरे भाई और विधायक बाबूराम पासवान भी घुंघचाई थाने के बाहर नजर आए। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने जानकारी दी कि मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। इसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु। उसमें परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त कर ली गई है, 5 लोगों पर नामजद मुकदमा लिखा गया है।
दो लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। यही शिकायत अगर पहले लिख ली जाती और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता तो शायद आज फूलचंद जिंदा होते। फूलचंद की मौत यूपी पुलिस पर एक बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि पुलिस रसूखदारों की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन यहां तो विधायक के भाई की ही उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप। चलते चलते एक और जरूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। इस बार तारीख है 22 से 24 नवंबर, जगह वही दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lalantop.com पर दिए गए बैनर पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा बनिए सिर्फ 499 रुपए में।